महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। दिन ब दिन हालत भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। इस बीच वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संक्रमित मरीजों में से 229 छात्र हैं। जानकारी के मुताबिक रिसोड़ तहसील के ग्राम देगांव स्थित निवासी आश्रमशाला में छात्र यहां छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। इस छात्रावास के 229 छात्रों और 3 स्टाफ कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।